अब बात कर लेते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से चार दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए पार्टी के संकल्प को देश के सामने रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा कि बीजेपी अपने तीसरे टर्म में यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करेगी। साथ ही मोदी ने साफ साफ कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करेंगे। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रखने की अपनी गारंटी को दोहराया। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बनी है और ये संकल्प पत्र इस वक्त मेरे हाथ में है। एक एक गारंटी आज मैं आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी कि चुनाव से ठीक 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है तो उसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं, क्या ये लोक लुभावन है या फिर भारत को विकसित देश बनाने की दिशा का विजन इसमें रखा गया है। सबसे पहले आइए संकल्प पत्र में मोदी के 2 बड़े वादे क्या है ये आपके सामने रख देते हैं। 2024 के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 बड़े वादे किए हैं वो ये कि पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस देश में होती है, बकायदा कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, वो भी देश में लागू होगा। यानी जो 2 बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के अभी रह गए हैं वो 2 बड़े वादे आने वाले वक्त में पूरे किए जाएंगे, ये साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और बार बार पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती है अपने पिछले पूरे किए गए वादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। अब आइए एक एक करके संकल्प पत्र की बड़ी बातें बता देते हैं। क्या गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है वो आपको बताते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति सरकार अपनाएगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी जारी रहेगा, ये भी पीएम ने साफ कर दिया है। इसके साथ ही 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। देश भर में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने का वादा किया गया है, यानी यूसीसी जिसको लेकर चर्चा की जाती है और इसे सिर्फ चुनावी शिगुफा बताया जाता है वो अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जरूर शामिल किया है और साफ कर दिया है कि आने वाले 5 साल में यूसीसी को लेकर भी रास्ता साफ हो जाएगा। जो कमेटी पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में गठित हुई है उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुशासन की मोदी की गारंटी है और इसमें साफ लिखा है समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यानी कि यूसीसी लागू करेंगे। सुशासन की मोदी की गारंटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया और साफ लिखा है कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कार्यवन है वो भी करेंगे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंचेंगी। यानी आने वाले वक्त में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश एक साथ इलेक्शन में जाएगा, असेंबली इलेक्शंस भी एक साथ होंगे और लोकसभा चुनावों के इलेक्शंस भी एक साथ होंगे। ये इस गारंटी में संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसमें साफ कर दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यान्वयन करेंगे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को जरूर इस बार लागू कर दिया जाएगा। यानी आने वाले पांच साल में अगर सरकार बनती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो कैसे काम करेगी मोदी सरकार, इसका विजन पीएम ने आज देश के सामने रख दिया है। यूसीसी पर बात करते हुए पीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी
साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। तो पीएम के संकल्प पत्र में या भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान एक और बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अभी तक गरीबों को ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब 70 साल के ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी आयुष्मान योजना का फायदा उठा पाएंगे। अब देखिए, आयुष्मान योजना ये बड़ी गारंटी दी गई है, 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को इसका फायदा मिलेगा। पीएम मुद्रा योजना, अब 20 लाख तक का लोन इसके तहत दिया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखा गया है, 50,000 कर्ज की लिमिट का विस्तार कर दिया गया है। गरीबों के लिए घर, ये पीएम का सपना भी है। बीजेपी अपने हर मन से कहती है, पीएम अपने हर मन से कहते हैं 3 करोड़ और आवास बनाए जाएंगे। लखपति दीदी यानी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी भी बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र में जरूर बताई गई है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब देखिए, 76 पेज के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों के जरिए यह तो साफ कर दिया है कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं की जाएगी। कैसे देश को आगे बढ़ाया जाएगा, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाएगा, तो उसमें महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादा किया है या महिलाओं को क्या गारंटी दी है, आपको बताते हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का दावा किया गया है, वादा किया गया है। अगले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी होगी, पीएम ने गारंटी दी है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। नारी शक्ति वंदन बिल को लागू करेंगे जो कि पास हो चुका है सदन से। पिछले 10 साल नारी गरिमा को समर्पित रहे, खेलों में भी भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़े, जिसमें खेलों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये गारंटी पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। लेट डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में फोकस देखेंगे अगर आप, तो जन कल्याण की योजनाओं पर फोकस रखा गया है। महिलाओं के साथ साथ युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये विजन भी पूरी तरीके से इस संकल्प पत्र में क्लियर कर दिया गया है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता होगी और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पेपर लीक की घटनाओं से जो बच्चे, जो अभ्यर्थी जूझते हैं, उसे नियंत्रण करने के लिए कानून को लागू किया जाएगा। स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार किया जाएगा। सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से नए अवसर युवाओं के लिए पैदा होंगे। तो रोजगार कैसे युवाओं के लिए सृजित होगा, यह भी इस संकल्प पत्र से साफ तौर पर झलकता है। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। इस चुनाव में किसानों की परेशानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन मोदी ने आज साफ कर दिया कि उनकी सरकार के एजेंडे में किसान कल्याण काफी ऊपर है। किसानों के लिए इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में क्या है, देखिए। एमएसपी में समयबद्ध तरीके से बढ़ोतरी होगी। पीएम फसल बीमा योजना के जरिए मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी, दाल और खाद्य तेलों में नए क्लस्टर बनाए जाएंगे जिससे किसानों को फायदा हो। सब्जी उत्पादन स्टोरेज के लिए प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, छोटे किसानों को मिलेट की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो कैसे ग्राउंड से किसानों की बेहतरी करनी है, कैसे किसानों की आय को दुगनी करना है, कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे नए क्लस्टर बनाने हैं, कैसे ध्यान में रखना है कि महंगाई की मार किसानों पर ना पड़े और किसान अपनी फसल का जो दाम है वो किसानों को मिल पाए, ये सुनिश्चित किया गया है मोदी की इस गारंटी में, यानी कि मोदी के संकल्प पत्र में ये सुनिश्चित किया गया है कि ग्राउंड से किसानों की बेहतरी का काम किया जाए, जिसमें एमएसपी में समयबद्ध तरीके से बढ़ोतरी होगी, पीएम फसल बीमा योजना से मजबूती मिलेगी, दाल और खाद्य तेल से आत्मनिर्भरता बढ़े इस क्षेत्र में ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज संकल्प पत्र जारी करते हुए भ्रष्टाचार पर बड़े एक्शन की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि करप्शन पर एक्शन लगातार जारी रहेगा, जो गरीबों को लूटेगा उन्हें जेल जाना ही होगा। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। तो बीजेपी के संकल्प पत्र के अगर आप 76 पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान रखा गया है, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ा गया है। गारंटी दी गई है, लेकिन उस गारंटी के लिए कैसे देश को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे मध्यम वर्ग परिवारों का, गरीब परिवारों का ध्यान रखा जाएगा, ये सब कुछ इस संकल्प पत्र में सुनिश्चित किया गया है। अब देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है तो उस पर सियासत होना भी जरूरी है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर करारा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि 13 दिन पहले बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी, अब 13 दिन में पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जुमलों को चिपकाकर बीजेपी ने इतनी जल्दी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 20 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, चार जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी, इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है।